शास्त्री जी इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा के लिए संकल्प कराते हुए और प्रधानमंत्री एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा इस प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प के बाद जो छह हैं वो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपनी ओर से जिन्होंने लगातार तपस्या की है, भूमि पर शयन किया है, बिना कोई अन्न ग्रहण किए लगातार जब से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया है तब से वो छह के छह परिवार तपस्या कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भी पिछले 11 दिनों से तपस्यारत हैं और उन्होंने दक्षिण भारत के अलग अलग मंदिरों में जाकर के अपने अपने इष्ट भगवान श्री राम, अपने इष्ट भगवान श्री शिव का दर्शन किया है। और शिव की बात है तो आप देख लीजिए कि जो पीछे आचार्य इस वक्त आपको दर्शन दे रहे हैं वो काशी से पधार रहे हैं, वही काशी जो भगवान राम के सखा हैं, वही काशी जहां पर भगवान शिव भगवान राम के स्वामी के रूप में विराजते हैं, वो जगत गुरु है। इसलिए काशी भी मगन है क्योंकि काशी से ही ज्योतिषी गणेश्वर द्राविड़ ने इस पवित्र मुहूर्त को निकाला है, जिन्होंने जो भूमि पूजन का भी जो ज्योतिषाचार्य का महत्व बताते हुए निकाला था। इस वक्त आप देखिए कि गर्भगृह में बहुत ही विशिष्ट मेहमान प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी भी पधार चुके हैं। इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अनंत अनंत कोटि आत्माओं की भावनाओं को अपने हाथों में लिए करबद्ध प्रार्थना भगवान श्री राम से भगवान श्री शिव की धरती से पधारे आचार्यों की उपस्थिति में बहुत ही दिव्य क्षण। वर्तमान में कहा जाए तो भगवान शिव सबसे अत्यधिक प्रसन्न क्योंकि स्वामी सखा और मित्र ये तीनों ही संबंध भगवान शिव का भगवान श्री राम से। आधे अद्भुत क्षण आपके समक्ष, प्राण प्रतिष्ठा का समय, अद्भुत क्षण, युगांतकारी क्षण, इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होने वाला क्षण, कहा जा सकता है अरुण गान पर महाप्रगति का। अब यह मंगल गान उठा है, करवट बदली अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा है। तो ये संकल्प के सिद्धि होने का दिन है, 10 मिनट की ये हमारे पुरखों से किए गए पूर्ण होने का दिन है, ये विधाता से दिए गए वचन को पूर्ण करने का दिन है, ये उस शपथ के पूरा होने का दिन है जब कहा गया कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है, नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर भव्य बनाएंगे। और आज सौगंध के पूरा होने का दिन है, आज विधाता से दी गई शपथ का पूरा होने का दिन है, आज सदियों की आकांक्षा का पूरा होने का दिन है, आज हर्ष का दिन है, आज उत्कर्ष का दिन है, आज अर्चन का दिन है, वंदन का दिन है, अभिनंदन का दिन है, अर्पण का दिन है, तर्पण का दिन है, पुरखों की अभिलाषा के साक्षात होने का दिन है, आज सकल मनोरथ पूरा होने का दिन है। अजय, जिस तरह से आपने पुरखों की याद दिलाई तो ये जो पौष मास है अश्विनी वो बहुत ही पवित्र माना जाता है, सभी पुरखों के लिए हम तर्पण करते हैं इस पवित्र मास में। और आज द्वादशी की तिथि है, द्वादशी की तिथि यानी भगवान पूर्व के अवतार की तिथि, वही भगवान पूर्व जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में समुद्र मंथन के लिए आधार दिया उस मंदराचल पर्वत को, जहाँ से मथने के बाद अनेक रत्न पैदा हुए, जो आज भी सृष्टि की प्रकृति की इस ब्रह्मांड की सेवा में लगे हुए हैं। माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव सबसे पहले विष्णु कलश को भगवान शिव ने आज भी धारण किए हुए अपने नीलकंठ स्वरूप सभी भक्तों को दर्शन देते हैं, वहीं से अमृत भी निकला, आज वही अमृत निकलेगा भगवान श्री राम के प्रतिष्ठा के बाद। आज कुर्मावतार के इस पवित्र तिथि पर जिस वक्त आज संकल्प ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संपूर्ण राष्ट्र की तरफ से, संपूर्ण विश्व की तरफ से भगवान श्री राम की प्रतिमूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के स्वरूप के रूप में आज मग्न हैं, जो आज हैं, आज सबसे ज्यादा प्रसन्न है भगवान शिव पधारे। ये आचार्य मंत्रोच्चार के बीच में संकल्प करा रहे हैं, स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे ये जो आह्वान किया जा रहा है, जब रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, और आज भगवान राघव के रूप में पधारने वाले हैं, वो न रघुपति हैं, वो न राजा राम हैं, न सीतापति हैं, आज सिर्फ और सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। और बहुत प्रतीक्षित क्षण जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम खड़े होकर के कृष्ण स्वरूप में, कृष्ण वर्ण के रूप में आज भगवान श्री राम अपने 5 वर्ष के उस अद्भुत छवि का दर्शन देंगे, और साथ ही साथ पुराने जो विग्रह है उसके 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 समक्ष जो संपूर्ण जो मानवता है उस वक्त नतमस्तक होगी। आप देख रहे हैं गर्भगृह,
पवित्र गर्भ गर्भगृह जिसका निर्माण संपन्न हो चुका है, शिखर का निर्माण संपन्न हो चुका है, और ये अद्भुत क्षण जब प्रधानमंत्री इस वक्त श्री राम लला के सामने पहुंचने वाले हैं, और बहुत ही पवित्र दिन आज का और द्वादशी का दिन। कल तो पूरी अयोध्या ने एकादशी की, लेकिन 11 दिनों से अपने व्रत के जरिए एक तपस्वी की भांति प्रधानमंत्री मोदी ठीक उसी तरह से जैसे भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले भूमि पर शयन किया, भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले जैसे अन्न जल का त्याग किया, महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने सारी गतिविधियों का सारी